गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी मित्रों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, मैं सुधीर त्रिपाठी पंडित जी अंक ज्योस्ताचार्य वास्तु गुरु जी यूट्यूब चैनल गुरु जी लाइव 24 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अभी आपको जो 9 के 9 ग्रह हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें से हम आपको मूलांक 1 से मूलांक 6 तक सभी ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दी। अब आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो मूलांक 7 यानी केतु ग्रह के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख है कि 16 तारीख है या 25 तारीख है, ऐसे सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये इस वीडियो के माध्यम से हम केतु ग्रह के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है उनका मुख्य ग्रह केतु ही होता है। अब केतु ग्रह होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि राहु और केतु भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेके जब सुदर्शन चक्र से असुर का सर अलग किया तो उसमें एक हिस्सा जो है वो राहु हो गया और दूसरा हिस्सा जो है केतु हो गया, जो कि जस्ट अपोजिट रहते हैं और कभी भी नहीं मिल सकते हैं। तो आज हम केतु के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो केतु एक ऐसा ग्रह है, ऐसा माना जाता है कि जिसका सर नहीं है। अब सर नहीं है तो सिर्फ क्या बचा, धड़। अब जिनका मुख्य ग्रह केतु है, मूलांक 7 है का, तो ऐसे लोगों के संग ऐसा मान लेते हैं कि उनका सर नहीं है। तो आज के दौर में हम कहाँ जाए तो ऐसे ब्लाइंड मैन एक अंधे व्यक्ति की तरह होता है। अब आज के दौर में अंधे व्यक्ति का क्या होता है, किसी ने हाथ पकड़ा वो उसके साथ चल देगा और क्या मिलेगा, धोखा। तो जिनका मूलांक 7 है तो उनके संग में सबसे जो प्रमुख चीज़ क्या हो गई कि वो उनको एक सीख है कि वो अगर व्यवसाय करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में ना करें, किसी के संग विश्वास करने जा रहे हैं तो बहुत देखभाल के करें, किसी को पैसा उधार देने जा रहे हैं तो वो भी बहुत देखभाल के दें, अन्यथा पैसा डूब जाएगा। सामने वाले की कंडीशन कुछ भी हो, उसके सर्कमस्टांसेस कुछ भी बने, लेकिन जिनका मुख्य ग्रह केतु है, मूलांक 7 है, उनका पैसा डूबने के भरपूर चांस रहेंगे। दूसरा, जिनका मूलांक 7 है तो ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति के संग, अपने रिश्तेदार के संग, अपने दोस्त यार के संग, इवन अपने खास सगे लोगों के संग भी कितना भी अच्छे से अच्छा कर लें, उनको रिजल्ट जो है अच्छा कभी भी नहीं मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग ये सोच के ही ना चलें कि वो किसी का भला कर रहा है और वहाँ से हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरी चीज, जिनका मूलांक 7 है, ग्रह केतु है, ऐसे लोग कहते हैं कि इनका जो मैरिज का पार्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है। उसमें डिपेंड करता है कि एक तो शादी किससे हो रही, दूसरा इनका और ग्रह क्या क्या रहेंगे, लेकिन आप अधिकतर देखेंगे तो जिनका मुख्य ग्रह केतु है ऐसे लोगों का शादी से संबंधित समस्याएं भी रहती हैं। इसके अलावा फिर जिनका मूलांक 7 है और ग्रह केतु है, ऐसे लोग को मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो अपने हेल्थ के प्रति हमेशा अवेयर रहें, क्योंकि इनका हेल्थ खराब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो हमेशा अपने आप को फिट रखने का प्रयास करें, योगा करें, पानी पिएं भरपूर, शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने का प्रयास करें। तो ये सारी जो कंडीशन है ये केतु ग्रह की हैं, और जिसका केतु मुख्य ग्रह है, या कहते हैं कि जन्मतिथि 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है, उनके साथ ऐसा होगा ही होगा। अब केतु ग्रह किस ग्रह के संग क्या रिजल्ट देता है हम आपको ये बता रहे हैं। जैसे सूर्य के साथ मिल जाए, जैसे मान लेते हैं किसी का मूलांक 7 है और भाग्यांक सूर्य का है 1 है,
क्योंकि केतु का अपना अस्तित्व कुछ नहीं होता, वो जिस ग्रह के संग जाता है उस ग्रह की प्रॉपर्टी पा जाता है, लेकिन फिर भी अलग अलग ग्रहों के संग अलग अलग रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। जैसे मूलांक 7 और भाग्यांक 1 यानी सूर्य, तो सूर्य के संग जब केतु मिलता है तो क्या करते हैं, ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कम हो जाता है। चंद्रमा के संग मिलता है तो क्या करता है, चंद्र जो है मन का कारक होता है तो निश्चित है वो मन को खराब करेगा, मानसिक स्थिति उनकी जो है खराब होने के संकेत रहते हैं। गुरु ग्रह के संग मिलता है तो निश्चित है गुरु है तो अध्यात्म, तो केतु और गुरु का जब सहयोग मिलता है तो ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की तरफ, या कहते हैं ना कि ज्योतिष, जैसे हम अंक ज्योतिषाचार रहेंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर रहेगा, हस्तरेखा हो गया, वास्तु हो गया, ऑकल्ट साइंस हो गया, रेकी हो गया, इस तरह से कुछ भी जब गुरु के संग मिलेगा तो ये संभावना निकलेगी कि ऐसे लोगों के लिए ये दशा दिखा देता है। राहु के संग हो तो राहु और केतु अगर मिल जाए तो क्या होता, कहते हैं ना कि सर और धड़ मिल जाए तो कंप्लीट हो गए, परंतु ऐसा कभी होता नहीं है। तो जब केतु राहु के संग मिलेगा तो क्या करता है, ऐसे लोगों को जबरदस्त संघर्ष करा देता है। बुध की बात करें, केतु जब बुध के संग मिलता है तो बहुत अच्छा होता है, अच्छे फल देता है। शुक्र की बात करें, शुक्र का ऐसा माना जाता है कि केतु जो है, कहते हैं ना कि चेला है, शुक्र गुरु है और केतु चेला है, तो निश्चित है शुक्र के संग अच्छे फल देता है। शनि की बात करें, केतु जब शनि के संग मिलता है तो क्या करता है, मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस करता ही करता है, ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ खराब होने के पूरे पूरे संकेत रहते हैं। और मंगल के संग मिल जाए तो मंगल तो एक कहते हैं कि अग्नि तत्व का है, क्रूर ग्रह माना जाता है, तो मंगल के संग मिलता है तो क्या करता है, विवाद की स्थितियां पैदा कर देता है। तो दोस्तों 9 ग्रहों के संग जब केतु मिलता है तो किसके संग क्या होता है, ये आपको जानकारी दी। अब हम केतु के कुछ उपाय देख लेते हैं। केतु का जो उपाय होता है, क्या करें, जो दूब घास होती है ना, दूर्वांकुर दूर्वा कहते हैं, दूब घास हरे कलर की होती है, गणेश जी को चढ़ाते हैं, तो गुरुवार को जिनका मुख्य ग्रह केतु है या जन्मतिथि 7 तारीख है, 16 तारीख है और 25 तारीख है, ऐसे लोग प्रत्येक गुरुवार को गणेश जी को दूब घास चढ़ाएं। चितकबरा कंबल ब्लैंकेट, चितकबरा कैसा, काला कलर हो, सफ़ेद कलर हो, एक आध दो कलर और हो, ऐसे कंबल आता ना, वो किसी गरीब को दान करें तो उससे भी केतु अच्छा होता है। अगला उपाय, अंधे और कोढ़ी व्यक्ति को शनिवार को कुछ ना कुछ खाने पीने से संबंधित कपड़ा हो सकता है, कुछ ना कुछ दान करें रेगुलर, तो भी केतु बहुत अच्छा फल देता है। तो दोस्तों आज हमने आपको केतु ग्रह के बारे में पूरी जानकारी दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि हमारे जो अगले वीडियो आ रहेंगे वो भी आपको समय से प्राप्त हो सकें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, और भी लोग लाभ लेंगे उससे। इसके अलावा कमेंट्स में फिर भाई राधे राधे ज़रूर लिखिए। अब हमारा जो अगला वीडियो है, हमने आपको केतु ग्रह के बारे में बताया, अब केतु का रत्न क्या होता है, लहसुनिया, कैट्स आई। तो हम अपने अगले वीडियो में आपको लहसुनिया के बारे में, केतु के रत्न के बारे में जानकारी देंगे। तब तक आप हमारे संग बने रहिए। राधे राधे, जय हिंद।